सुबह सुबह हमें नदी जाना था, तो जाते ही मुझे एक पेड़ के ऊपर चींटियों की घोंसला दिखाई दिया। तो उसको मैं तोड़ तोड़ के मैं अंडे को लेने के लिए एक बकेट पे डाल दिया। आप देख सकते हैं, अब काफ़ी यहाँ माँ है बकेट के अंदर। तो अंडे से मैंने माँ को अलग करके अब अंडे को एक जगह में जमा करूँगा। अब देख सकते हैं यहाँ में काफ़ी माँ है, उस माँ को मैं इस पानी से निकल के अलग करूँगा। उसके बाद अंडे को मैं अच्छी तरह से साफ करके रख दूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत काफ़ी यहाँ माँ है जिसको मैंने बाहर कर दिया बकेट के अंदर। तो उसके बाद मैं उसको अच्छी तरह से साफ करके मैंने एक कटोरी में जमा कर दिया। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे एक भी माँ नहीं है अभी। तो उसको मैं फ्रिज में रख दूँगा क्योंकि हमें समय नहीं है कि हमको नदी जाना था। तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया, उसको शाम को आके मैं उसको पकाएंगे। तो उसके बाद हम खाएंगे। और मैं देखा तो फिर को ऊपर में एक खूबसूरत सा फूल खिल रहे थे, शायद जिसका नाम ऑर्किड कहते हैं। तो उसको मैंने क्लिक करने की कोशिश की पर मैं अच्छी तरह से नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ बहुत चींटियाँ थे। तो अब देख सकते हैं अब मेरा भाई भी आ गया दुकान जाके। सर बताइए क्या क्या लेके आया है दुकान पे, बताओ ना सर, बताओ ना क्या क्या लेके आया है। आप कहाँ जाएगा अभी? नदी नदी क्या लेने जाएगा? नदी मछली? और ये पेप्सी को वहाँ पिएगा ना? ये पेप्सी को वहाँ पीने के लिए लाया है। ओ तो हम लोग नदी की ओर निकल रहा हूँ। तो यहाँ देखते देखते बोर हो रहा था तो नदी जाके तो आप देख सकते हैं तो हमें अपने फैमिली के साथ यहाँ से मैं नदी की ओर निकल गया। तो पता नहीं आज मैं पहली बार इस नदी पे जा रहा हूँ, शायद नदी नहीं है झरना है। तो काफ़ी यहाँ पे मछलियाँ मिलते हैं पर मैं तो कभी आइदा नहीं, कभी किया नहीं। इन लोगों के साथ मैं जा रहा हूँ, शायद इस नदी पे हमको मछली मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका तो मुझे आइडिया नहीं है। तो उसको मैं नदी पहुँचते ही मुझे पता करना होगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो शुरू करेंगे अब। गोगर बस्ती के मछुआरा लोग यहाँ जमा हुआ है। Gracias.